क्या खारकीव की हार का बदला पुतिन एटम हमले से लेंगे? जानकार बता रहे हैं कि बौखलाहट में पुतिन पहले से भी ज्यादा खतरनाक कदम उठा सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऑपरेशन खारकीव फेल हो गया है। यूक्रेन से आई इन तस्वीरों से पता चलता है कि यूक्रेन ने ऐसा काउंटर अटैक किया जिसका पुतिन एंड कंपनी के पास कोई जवाब नहीं था। 5 दिन के अंदर यूक्रेन ने उतनी जमीन को वापस किया जितना उसने 5 महीने के ऑपरेशन में हासिल नहीं किया था। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि पुतिन बौखलाहट में कहीं परमाणु बम का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब तब रूस यूक्रेन और अमेरिका को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे चुके हैं। बहरहाल रूस ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका अब यूक्रेन के पास वापस आ गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस बात की पुष्टि की है। यूक्रेन वार की सिचुएशन पर नजर रखने वाले अमेरिकी थिंक टैंक द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी फॉर वॉर ने सितंबर में यूक्रेन के हमले के एनालिसिस में दावा किया है कि यूक्रेन की आर्मी ने 5 दिनों के अंदर 3,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर के इलाके को रूसी कब्जे से छुड़ाया है और अब यूक्रेन की सेना रूसी बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन रूस ने अभी हार नहीं मानी है।